के साथ माननीय मंत्री एमएसएमई भारत सरकार श्री जीवन तुहिना विश्वास चेतना वनिता सक्सेना कल्पना चेतना 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 आगे जाओ चेतना के बाद वनिता चांदी देवी हमारे भारत सरकार में एक विभाग है जिसको कहा जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है, अभी आपने सुना होगा समस्त भारत में लगभग 6 करोड़ इसकी इकाइयां हैं और इसमें 12-13 करोड़ लोग लगे हुए। एक तरफ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, सबको नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार दे सकते हैं तो इस रोजगार देने के लिए, और भारत का जो हमारा जीडीपी है उसका 30% अंश ये हमारा जो एमएसएमई विभाग है वो देती है। तो कहने का मतलब भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए सामाजिक क्षेत्र में हमारे जो अनियोजित लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए और विशेष करके महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को जिनको बहुत आवश्यकता है रोजगार की, उनके लिए ये सब व्यवस्था किया है। और आज यहाँ आप जानते हैं हमारे एमएसएमई का एक अंग है जसस्वनी, जसस्वनी योजना का ही लॉन्चिंग आज यहाँ हम लोग किया है जिसमें सभी महिलाएँ आई हैं, महिलाएँ उद्यमी बने, इनको बैंकों से सुलभ लोन मिले, अपना काम करें ताकि बेरोजगारी मिटे और राज्य का और देश का आर्थिक स्थिति ठीक हो। क्या आपने सवाल उठाया था कि जो लोन का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा क्योंकि सालों तक फाइलें पड़ी रहती हैं, अगर राजस्थान का भी देखा जाए तो 300 महिलाएं आए दिन देखा जाता है। सब जगह वैसी बात नहीं है, कहीं कहीं वैसी बातें देखी जाती है जहाँ लोन कर देने में दिक्कत होती है, तो उस चीज़ के बारे में जब हम खुद जान रहे हैं और लोगों के डोमेन में ला रहे हैं तो ज़रूर उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, इसलिए वो बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या की बात आज हमने की है कि हमारे विकलांग निःशक्त बेटियां भी इसमें काम करती हैं जिनको कि कोई प्रकार का कहीं नहीं रहता है सहयोग, तो उनके लिए जो बैंक में जो मार्जिन मनी देना पड़ता है 25%, तो हमने कहा है कि 25 लाख रुपया तक उनको बैंक में मार्जिन मनी देने की जरूरत नहीं होगी, वो अपना व्यापार करेगी और उससे अपना लोन चुकाएगी। निश्चित रूप में तो हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो और एक विभाग से ही एमएसएमई नहीं है, इसमें उद्योग भी है, कपड़ा उद्योग भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, विद्युत विभाग भी है, तो सारे विभाग में छोटे छोटे जो रोजगार होते हैं वो सारे इस एमएसएमई में आते हैं और उनका संवर्धन करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है।